हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है और आज मैं एक नए DIY लेके रेडी हूँ। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और मैंने उसको टोटल 3 पीसेस लेके आपस में चिपका लिए थे। अब मैंने लेना है यहाँ पर एक पुरानी जीन्स, आपके पास कोई भी पुरानी जीन्स आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जो लेग वाला पोर्शन होता है ना, उसका यूज़ किया है। तो अब मैं इस जीन्स से इस कार्डबोर्ड को कवर करने वाली हूँ। आप हॉट ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से कपड़े को कार्डबोर्ड के साथ स्टिक कर सकते हैं और ये काफ़ी मजबूत होता है और ये निकलेगा भी नहीं। तो इस बार के आइडियाज़ भी फ्रेंड्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ हैं और पुराने क्लोथ्स का रीयूज़ है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, हम जितना भी रीयूज़ करते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए तो आपको बहुत स्मूथली ये काम करना है और बहुत ईजी है। आपको जो फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा ना, आप सीरियसली में आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो हर कोई घर पे बना सकता है। अब ये पूरी तरीके से रेडी है। अब मैंने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया है कि ये जो जीन्स की पॉकेट वाला पार्ट होता है उसको नीटली कट कर लिया है। और कट करने का स्टाइल ये रहेगा कि आपको जो इसमें हैंड डालने वाला पार्ट होता है ना, वैसे कट करना है, सो दैट कि आप इसको एज अ पाउच की तरह यूज़ कर सको। और आप इसको नीटली कट कर लीजिए। अच्छी तरह से चारों तरफ से कट करने के बाद अब हमको इसके ऊपर इसको स्टिक करना है और हम जो बैक वाली साइड है उसको स्टिक करेंगे ताकि हमारे पास पाउच वाला स्पेस बना रहे। ध्यान से आप सारे एजेस को भी स्टिक कर लें ताकि कहीं से भी लूज़ ना रहे, बिकॉज़ अगर लूज़ हुआ तो फिर मतलब गिरने के चांसेस रह सकते हैं ना। ये आपका ऐसे पाउच बन के एक रेडी हो जाएगा। देन अब हैंग करने के लिए एक डोरी लेनी है और इसके बैक साइड में हमको अच्छे से वो भी चिपका लेनी है। तो मैंने यहाँ पर डोरी रेडी कर ली है और इसको भी हम अच्छे से बैक साइड पर लगा लेंगे और ये थोड़ा मजबूत बने, इसलिए इसके ऊपर एक और हमने पीस को स्टिक कर दिया है। हम इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब टाइम है सेकंड आइडिया का। तो सेकंड आइडियाज़ के लिए भी मैंने ये लिया है अपनी एक पुरानी कुर्ती। ये एक्चुअली कुर्ती पुरानी हो गई थी और काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी। मैं कोई भी पुराने क्लॉथ्स होते हैं उसको बहुत रेयरली होता है कि मैं मतलब फेंकती हूँ या कुछ करती हूँ, बिकॉज मैं उसको ऐसे कहीं किसी न किसी तरीके से रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ या फिर मैं जो क्लॉथ डोनेट बैंक होते हैं वहाँ पर उनको दे देती हूँ, सो दैट कि वो किसी और के काम आ सके। तो कुर्ती की साइड्स को कट करने के बाद मैंने उसका एक रेक्टेंगुलर पीस या स्क्वायर पीस को निकाल लिया है और अब हमें एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और अच्छे से इसे भी कपड़े से कवर कर लेना है पूरी तरह। ये भी हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही करेंगे। तो इसमें ना देखिए कुछ भी रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, ये आप इजीली घर पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, आराम से स्टिक हो जाता है, कोई उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर आप सिलना चाहें तो सिल भी सकते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन भी है कि आप सिल भी सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको क्लीन कर पाएंगे और क्लीन करने के लिए आपको इसको धोना नहीं है, बस आपको जस्ट एक गीले कपड़े से इसको रोज़ साफ़ कर सकते हैं, जो भी आपका डस्ट वगैरह रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। बट इसको यूज़ मैंने जिस तरीके से किया है वो आइडिया शायद आपको लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है।
चारों तरफ से अच्छी तरीके से स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसी तरह मैंने 3 बना के रेडी कर लिए हैं क्योंकि मुझे टोटल 3 की ज़रूरत थी। नाउ इट्स द टाइम कि हाँ मैंने इन कैसे DIY को यूज़ किया। तो फर्स्ट आइडिया जो मैंने किया था उसको मैंने इसे दीवार पे हैंग कर दिया है। देन उसके बाद मैंने लिया है एक प्लास्टिक बॉटल जिसमें मैंने अपना प्लांट लगाया और इस पॉकेट में मैंने डाल दिया। आप चाहे तो इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी डायरेक्टली डाल सकते हैं या फिर मतलब ऐसे मेरी तरह इसको लगा सकते हैं। आप ऊपर इसमें कुछ और कैप्शन लिख सकते हैं जैसा आपको लगे। तो ये मेरा आइडिया था सेकेंड DIY के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे घर की एंट्री का एक कॉर्नर है जिसको मैंने मतलब डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। बट मुझे ना हर चीज़ सोचने के बाद ऐसा लगा कि एवरीथिंग ज़्यादातर कॉस्टली वे में जाएगा, तो मैंने इसका सिंपल जुगाड़ निकाला है। उसके लिए रैक है जो कि 3 स्टेयर वाला है। तो मैंने पहले ना इसको पहले भी यूज़ कर रखा था, हम जिस घर में रहते थे वहाँ पे, तो मैंने इसको वाइट पेंट करा था। बट अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ नया करूँ, तो उसके लिए ही मैंने एक DIY प्रिपेयर किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अरेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना शो रैक यहाँ पे रखा और जो मैंने अपने कार्डबोर्ड कवर करके रखे थे वो मैंने इसके तीनों रैक में एडजस्ट कर दिया। इस कार्डबोर्ड से कवर करने का रीज़न ये है कि अगर मैं इसमें कार्डबोर्ड रख दूँगी ना तो जो इसमें बीच बीच में गैप है और इसमें जब भी मैं कुछ प्लेस करती हूँ तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। अगर हम कार्डबोर्ड रख देंगे तो वो डिसबैलेंस नहीं होगा और अच्छे से सेटल हो पाएगा। तो मैंने जो कार्डबोर्ड से वो 3 प्रिपेयर कर रहे थे इनको तीनों स्टेज में लगा दिया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जितने भी सारे मैंने DIYs बनाए हैं जो इस पे प्लेस हो सकते हैं तो मैं उनको प्लेस करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं प्लेस करने वाली हूँ एक एक करके। मैं दिखाती हूँ जो मेरे पास DIYs हैं। ये देखिए ये इतने सारे मैंने बनाए हैं जो मैं एक्चुअली रेंटल घर होने की वजह से प्लेस नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे लगा कि इनको प्लेस भी कर पाऊँगी और ये अच्छी तरीके से यूज़ भी हो पाएंगे इसलिए। तो सबसे पहले ये कार्डबोर्ड का प्लांटर है जो मैंने बनाया था, ये हार्ट शेप का है, तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। तो इसमें प्लांट रखने के लिए मैं आपको एक जो मैंने प्लांट रखा है वो स्नेक प्लांट का यूज़ किया है, बिकॉज स्नेक प्लांट क्या होता है ना उसमें कम पानी लगता है तो वो ख़राब नहीं होता है। इसलिए ये मैं अपना मैंने स्नेक प्लांट एक प्लास्टिक की बॉटल में लगा रखा है। तो ये भी एक DIY है, आप इसको ऐसे इसमें प्लेस कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए ये प्लेस मैंने कर दिया, उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरा सेकेंड DIY जो मैंने एक प्लास्टिक की पुरानी कॉकरी प्लेट पे बनाया था, तो ये मैंने एक लेडी का डिज़ाइन इसमें बनाया था और mandala.art से इसके ऊपर पेंटिंग की थी, वो मैंने साइड में प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही करते करते मैं सारे जितने मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और आपको फाइनली लुक दिखाती हूँ कि वो कैसा लगेगा। और ये प्लेस करने के बाद सारे ऐसे लग रहे हैं। ये सब मेरे हैंडमेड DIYs हैं जो कि मैंने DIY पुरानी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके किए हैं। और ये आइडिया आपको कैसा लगा? तो ये फाइनल दोनों DIY का लुक है जो कि ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे लगा कि आप पुराने कपड़ों का यूज़ करके और थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी लेवल को दिखा के अपने घर को सजा सकते हैं? ये बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, द मेन थिंग इज़ दैट। और शू रैक हम लोगों के घर में सबके होता ही है, तो जस्ट मैंने उसको एज अपने एक शो पीस की तरह यूज़ किया और उससे अपने घर को सजाया। फ्रेंड्स मेन थिंग क्या है कि मैं रेंटेड हाउस में हूँ तो मैं ज़्यादा सामान खरीदना प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है जितने कम सामान में आप अपना घर को अच्छे से मैनेज कर सके और उसको ब्यूटीफुल दिखा सके, वही मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और वही मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो ये जस्ट मेरी एक छोटी सी ट्रिक टिप थी कि आप अपने घर को ऐसे भी सजा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच मनी कि मुझको कुछ डेकोरेटिव एक्सपेंसिव आइटम ही खरीदना है। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे जो शोपीस होते हैं वो खरीद सकते हैं बाजार से, अगर आप हाथ से बने हुए या घर के बने हुए DIYs में लगाना चाहते हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप आर्टिफिशियल प्लांट्स भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और बताइएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।